एक्सप्रेस न्यूज। चंबल आतिशबाजी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से मंगलवार की रात्रि चेकिंग की है। अलीगढ़ जिले के किसान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं। संबल करवा चौथ पर बाजार में उमड़ी महिलाओं की भीड़ ने त्योहार पर जमकर खरीदारी की है। महिलाओं ने सजने संवरने के लिए खूब खर्च किया। अलीगढ़ मंडला आयुक्त जीएस प्रदर्शनी की अध्यक्षता में धान एवं मक्का खरीद केंद्रों की संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। हरदोई साल 1998 में शवायजपुर तहसील गठन के ठीक दो साल बाद थाना कोतवाली की स्थापना हेतु की गई कवायद को दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कासगंज जनपद में मंगलवार को करवा चौथ को लेकर सभी कस्बाओं के बाजारों में महिला ग्राहकों की भीड़ खरीदारी को उमड़ी। कासगंज मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र की अध्यक्षता में तहसील कासगंज सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ। अलीगढ़ शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहीं त्योहारों के मद्देनजर बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ भी निकल रही है। कासगंज जनपद कासगंज के पटियाली के निकट कानपुर से मथुरा रेलवे ट्रैक पटियाली में एएमटी मालगाड़ी के 6 डिब्बे बेपटरी होने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बदायूं आलापुर दर्जा राज्य मंत्री बीएल वर्मा को भाजपा पार्टी के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा लगन को देखते हुए उच्च सदन पहुंचा दिया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार गृह जनपद आने पर भाजपाइयों ने जिले में प्रवेश होने से लेकर गृह नगर तक जगह जगह जोरदार स्वागत किया। सवाद सेवनी पुलिस चौकी क्षेत्र राम गंगा पार के गांव चंद्रपुर कला में फीता काटकर गैस एजेंसी का उद्घाटन किया गया। हरदोई DSCL ग्रुप के रूपापुर चीनी मिल में मंगलवार को नवीन पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो गया है। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज शांति भंग करने पर 16 गिरफ्तार। कासगंज मंगलवार को सावर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण समाधान की अध्यक्षता पर उप जिलाधिकारी शिव कुमार सिंह CO गवेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनाव में बड़ी धोखाधड़ी का दावा, कहा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते रेलवे में हुआ 1200 करोड़ रुपए का नुकसान। अमरिंदर सिंह जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, अकाली दल बोला भूख हड़ताल करो। राहुल गांधी ने रोजगार पलायन किसानों के मुद्दे पर PM मोदी और नीतीश को घेरा, समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। न्यायालय ने निजी जासूसों के कामकाज से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। अमेरिकी चुनाव 2020 डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी। हिलेरी क्लिंटन को याद आया साल 2016 का राष्ट्रपति चुनाव, 4 साल पहले ये पोस्ट ट्विटर पर किया गया था शेयर। अर्नब की गिरफ्तारी पर अमित शाह ने कहा कांग्रेस और साथियों ने लोकतंत्र को फिर किया शर्मसार। चुनावी सभा में नीतीश पर फेंके गए पत्थर और प्याज, तेजस्वी बोले ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजे डालेंगे राज्य के 3 क्षेत्रों के भविष्य पर असर। भारत में कोरोना के मामले 83 लाख के पार, कुल 76,56,478 लोग हुए संक्रमण से मुक्त।